जैन विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ भैया जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बता चुका हूँ, जैन धर्म के बारे में बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म के बारे में अभी चल रहा है, किस प्रकार मृत्यु हुई, सारी चीज़ें कल मैंने बताई थी आपको, पिछली वीडियो में बताई थी, और उसी प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हूँ। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा, एक आपका जैन बौद्ध गुप्त और क्या दिल्ली सल्तनत वगैरह, और बचाई क्या हिस्ट्री में मेन, तो अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की जान कहते हैं इन सारी चीज़ों को, ये प्रमुख रूप से एग्ज़ाम है आती हैं, तो आप इन पर बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करिएगा। आज हम बात करेंगे प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्हों के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको बता दें आरआरबी तथा एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यह चीज़ पूछी जाती है। क्या पुलिस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यह चीज़ पूछी जाने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समानताएं क्या थीं, उनके अंतर क्या थे, सभी चीज़ों के बाद आज हम बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं अपनी बेहतरीन सी वीडियो की ओर, बेहतरीन सी क्लास की ओर, आइए जल्दी से फटाफट देखते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए चिन्हों की, तो बौद्ध धर्म से अगर जुड़े चिन्हों की अगर हम बात करें, तो पहला जो चिन्ह था वो था गर्भ। गर्भ गर्भ का क्या चिन्ह था भैया जी? हाथी। क्या था? हाथी। इसके अलावा आपको बताऊं, याद रख लीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है? अगर गर्भ की बात हो तो हाथी, गर्भ यानी हाथी। जन्म की बात हो तो कमल, जन्म की बात हो तो कमल। ग्रह त्याग का मतलब घोड़ा या महाविनिष्क्रमण, ठीक है। इसके बाद युवा अवस्था की बात हो तो सांड। अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की बात हो तो बौद्ध वृक्ष। क्या ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था? बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश चक्र, प्रथम उपदेश का जो लोगो था या नीचे चिन्ह था वो क्या था? चक्र। समृद्धि का क्या था चिन्ह? कहना सर शेर। निर्माण का, निर्वाण का क्या था? पद चिन्ह। मृत्यु का स्पूत। एक बात, गर्भ का अगर होगा चिन्ह, गर्भ का क्या चिन्ह था? कहना सर हाथी। जन्म का कमल, ग्रह त्याग का घोड़ा, युवा अवस्था का सांड, ज्ञान प्राप्ति का बौद्ध वृक्ष, प्रथम उपदेश का चक्र, समृद्धि का शेर, निर्माण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्पूत। एक बार फिर से, गर्भ का क्या था? हाथी। गर्भ का हाथी, गर्भ का हाथी। जन्म का कमल, जन्म का कमल। ग्रह त्याग का घोड़ा, ग्रह त्याग का घोड़ा। युवावस्था का सांड, युवावस्था का सांड। ज्ञान प्राप्ति का बौद्ध वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति का बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश का चक्र, प्रथम उपदेश का चक्र, ब्रैकेट में धर्म चक्र पुरतन। इसके अलावा समृद्धि का शेर, निवारण का क्या था? पदचिन्ह। मृत्यु का स्पूत, महापरिनिर्माण का, ठीक है, मृत्यु स्पूत यानी महापरिनिर्माण। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म को मृत्यु के स्पूत को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। इनकी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से हम जान चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, चाहिए प्लेलिस्ट में जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश, जन्म, ग्रह त्याग, युवा अवस्था, ज्ञान प्राप्ति, सभी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ बेहतरीन तरीके से। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट में और जाके राम सेतु बैच की प्लेलिस्ट देखेंगे, और पूरी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। विद्यार्थियों, मैं इसको तीन तीन चार चार बार क्यों कह रहा हूँ? देखो, एक तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपको घर, मुझे पता है घर पर बहुत कम लोग हैं जो घर पर पढ़ने का कार्य करते हैं, अधिकतर विद्यार्थी यहाँ से क्लास से, बहुत बड़ी बात है कि रेगुलरिटी रखें। पहला अगर आपने कम से कम 40-45% सिलेक्शन तो रेगुलरिटी से ही प्राप्त कर लेते हो, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते ना, तो एक तो रेगुलरिटी नहीं रख पाते हो, अगर रेगुलरिटी रखते हो तो उनको रिवीजन नहीं कर पाते हो। जो सब कर लेता है वो 2023 के अंतिम तक अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं उसके पास 2023 के अंतिम तक ज्वाइनिंग लेटर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, आपको क्या है अलग से याद करने के लिए समय नहीं निकालना पड़े, इस चक्कर में आपको सारी चीज़ों को मैं यहीं पर याद कराने का कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे नोट पे, देखो यहाँ पर प्रमुख रूप से विस्तृत रूप में लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु वैसाख अप्रैल के महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ। वैसाख पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं? बौद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं भैया जी? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया, इस नोट को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भैया जी।
महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने की पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? वैशाख की पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बौद्ध की पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बौद्ध पूर्णिमा। और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में ये प्रमुख रूप से बहुत पवित्र दिन माना जाता है, क्या ना, बहुत जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं तो प्रमुख रूप से माना जाता है। अब बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की समानताएं। अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर समानताएं तो थी, दोनों के विचार अलग अलग भी थे, कुछ विचार मिलते भी थे, तो आज हम इसी के बारे में वार्ता करने वाले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या समानताएं थी, तो देखो दोनों ने मोक्ष प्राप्ति को तथा पुनर्जन्म पर विश्वास किया। क्या दोनों ने क्या मोक्ष की प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर क्या किया? कहना सर विश्वास करने का कार्य किया। दोनों ने क्या किया? मोक्ष की प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर विश्वास करने का कार्य किया। इसके बाद बात करेंगे हम, दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा? भैया जी पहले देखो समझो, आंख मूंद कर अंधविश्वास मत करो। क्या? देखो समझो उसके बाद विश्वास करो, आंख मूंद कर अंधविश्वास मत करो, ऐसा लोगों का कहना था। और ये कहते थे मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व को विरोध करते थे, क्योंकि भगवान के अस्तित्व का क्या कहते थे कि पहले देखो समझो फिर उसके बाद मानो। भगवान ने तो साक्षात भगवान तो किसी को दिखे नहीं, तो इन चीज़ों का ये विरोध करते थे, भगवान का अस्तित्व का विरोध करते थे, कि मूर्ति पूजा का भी ये विरोध किया करते थे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। इसके अलावा दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। किसका? दोनों ने कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांड जब भगवान को नहीं मानेंगे तो कर्मकांड किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। और ये भगवान का अस्तित्व भी नहीं मानते थे तो कर्मकांड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या है, दोनों ही कर्मकांड का भी विरोध किया करते थे। इसके अलावा दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। क्या? आपको बता दें सभी धर्मों की बात करें, ये तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करें, तो सबसे पहले अस्तित्व की बात करें तो सबसे पुराना हिंदू सनातनीय धर्म है और इसी से सारे टूटे हुए धर्म हैं। आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर हम वो देखें पीढ़ी की पीढ़ी देखें उनकी, तो वो भी एक हिंदू ही थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई सभी जो धर्म हैं वो किससे कहाँ से टूटे हुए हैं? क्या से? कहना सर हिंदू धर्म से ही टूटे हैं। लेकिन क्या था, हिंदू धर्म में ऊंची जात नीची जात का बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, और जिस धर्म में ऐसा नहीं होता था आदमी उस धर्म को अपनाने लगे। इस प्रकार से धर्मों का बंटवारा हो गया, धर्म के अलग अलग ठेकेदार हो गए, धर्म के वाले अपने 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 भगवान हो गए, इस प्रकार की सारी चीज़ें प्रारंभ हो गईं। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। अगर जहाँ पर समानताएँ थीं तो कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद भी थे और दोनों में अंतर भी थे। क्या थे? दोनों में मतभेद थे और दोनों में अंतर भी हुआ करते थे। समझेंगे इसको विस्तृत रूप से। इससे पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सोच रहा है कि इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, क्योंकि देखो आपको बता दें पढ़ते तो सभी हैं, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता भैया जी, सभी का सिलेक्शन नहीं होता। उसके लिए रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, आपको तपना पड़ता है, क्योंकि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आप सोचते हो कि सूरज जैसा चमक जाऊं, सूरज जैसा बन जाऊं और बिना मेहनत के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। सूरज जैसा बनना है ना तो सूरज जितना तपना भी पड़ेगा, क्या सूरज जितना तपना भी पड़ेगा, और नदियों से आदर पाना है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं आप, दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं तो नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अर्थात तो सब सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ एक चीज़ फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, एक तरफ जुट जाइए, हो जाएगा सिलेक्शन 2023 के अंतिम तक। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं बताऊँगा, मिलाऊँगा भी जिन विद्यार्थियों के सिलेक्शन हुए हैं, टेंशन मत लीजिए, यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी निकलेंगे, वो आएंगे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि आप पढ़िएगा, देखो विद्यार्थी मैं बार बार कह रहा हूँ, रेगुलरिटी रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, बेस्ट टीम फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं आपको देने का कार्य करूँगा। और देखो जिस प्रकार मैं रेगुलर हूँ ना, ऐसा ही आप लोग रेगुलर रहिए, कष्ट उत्पन्न नहीं होगा जीवन में, इस बात की गारंटी दूंगा मैं। अगर हम अंतर की बात करें तो जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। क्या? बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, उनने कहा कि इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें भैया जी, सब चीज़ें बता चुका हूँ। और
आत्मा, जैन धर्म वालों ने कहा कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा होती है, हमें आत्मा को इतना कष्ट देना होता है, जैन धर्म के लोग कहते, जैन धर्म के प्रवक्ता कहना कहना था कि हमें आत्मा को इतना कष्ट देना चाहिए कि ताकि वह पुनर्जन्म ना ले, उसको सुखमय नहीं रखना चाहिए। और जबकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपकी इच्छा ही आपको पुनर्जन्म का क्या है, पुनर्जन्म का कारण बनता है, या कि कोई इच्छा रह जाती है, कहते नहीं आपकी अंतिम इच्छा रह गई, उसकी आत्मा भटक रही, भू बाबा ऐसा वाला कुछ, हाँ तो वो कहते नहीं, तो वही वाली चीज़ हो रही है। महात्मा बुद्ध ने कहा इसका कारण इच्छा है, जबकि जैन धर्म लोगों ने कहा कि ये इसका पूर्ण कारण आत्मा को बताया, इन्होंने इच्छा को बताया। सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं अभी, सबको स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि अपनाई तथा बौद्ध धर्म वालों ने अष्टांगिक मार्ग को बनाया। दोनों के क्या थे, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो एक कहते संलेखन विधि को अपनाओ, और एक कहते थे अष्टांगिक मार्ग होता है ना, वो अष्टांगिक मार्ग यानी बहुत सारे नियम होते हैं, अष्टांग सब पढ़ा चुका हूँ मैं, जाइए पिछले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिएगा, तो उसको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, कहना सर मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, और बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जैन धर्म लोगों का मानना था कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, कैवल्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया जी, कैवल्य कहलाएंगे। सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको मैं आज बताने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए थोड़ा सा। एक बार और देखो, अगर हम बात करेंगे दोनों की समानताओं के बारे में, तो दोनों मोक्ष की प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, दोनों मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध करते थे, दोनों कर्मकांड का विरोध करते थे। अब भैया, भगवान के अस्तित्व का विरोध करेंगे तो कर्मकांड का भी विरोध करेंगे ही करेंगे। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अगर हम अंतर की बात करें, तो जैन धर्म के पुनर्जन्म का कारण आत्मा बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा बताया। जैन धर्म के मोक्ष की प्राप्ति को संलेखन और इनका अष्टांगिक मार्ग की बात, और जैन धर्म की ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था, जबकि बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता था। कैसा लगी आज की क्लास, है ना, रिवीजन कर लें एक बार अच्छे से, पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं, जानदार शानदार चीज़ें हो जाएं, आपको आज आनंद आ जाना चाहिए ना चीज़ों पे। तो देखते हैं एक बार, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्हों की अगर बात करें तो गर्भ होगा, गर्भ की अगर बात करें तो गर्भ का जो चिन्ह था वो हाथी था, जन्म का कमल था, गृह त्याग का था घोड़ा, युवा अवस्था का था सांड, ज्ञान प्राप्ति का था बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, समृद्धि का था शेर, इसके अलावा निवारण का था पद चिन्ह, मृत्यु का था स्पूत यानी महापरिनिर्माण। नोट पे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु वैशाल्य अप्रैल महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए बहुत पवित्र दिन माना जाता है, बहुत पवित्र मानते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समानता है, सभी धर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समानताएँ मिलती ही हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जैन बौद्ध किसी भी धर्म की बात करें, हम सब में थोड़ी बहुत समानताएं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर कहें आप क्या है, अब सभी महिलाओं का अपनी माता और बहनों का सम्मान करें, कोई सा भी धर्म होगा सभी में यही कहा गया है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, कोई सा भी धर्म हो सभी में यही कहा गया है। तो सभी किसी ना किसी सभी धर्मों में कुछ कोई ना कोई समानताएँ तो होती ही होती हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पर कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो बात करें दोनों मोक्ष की प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर विश्वास, क्या मोक्ष की प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर विश्वास किया दोनों ने, दोनों मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध करते थे, दोनों कर्मकांड का विरोध करते थे, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। मैंने आपको बताया सनातनी बहुत पुराना धर्म है और इसी से लगभग सारे धर्म टूटे हुए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की अगर अंतर की बात करें तो जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म को मोक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में अगर आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसको मोक्ष कहा जाता है,
कैसी लगी क्लास, मज़ा आई कि नहीं आई? भैया जी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि कंटेंट जो है ना आपको सही तरीके से समझा पाएँ वही महत्वपूर्ण है। देखो कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, लेकिन समझाने वाला होना चाहिए ना कोई, अच्छे तरीके से आपको समझाए, एक्सप्लेन करे, जिससे कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल एक मूवी की तरह फिट हो जानी चाहिए ना। वही कोशिश करता हूँ मैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से याद हो जाएँ, जिससे आपके जीवन में तथा आपके एग्ज़ाम में कभी भी कष्ट उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। सभी चीज़ों में मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊं, और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। सारी चीज़ें प्रमुख रूप से थी, ठीक है। और कल हम बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म आगे बढ़ने के क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म आगे बढ़ने लगा, सभी चीज़ों के बारे में कल हम वार्ता करेंगे। ध्यान रखिएगा डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा विशेष रूप से, और जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो क्लास थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। जो विद्यार्थी नए हैं वो क्या कर सकते हैं, अग्निपथ बैच में जुड़ सकते हैं, बाहुबली बैच पूरा हो चुका है उसको पूरा प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स का बैच भी स्टार्ट है वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राम सेतु बैच भी, विजय का परचम लहराने वाला बैच वो भी पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ों को अटेंड करें, सभी बैच को पढ़ें, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। तो ध्यान रखिएगा जीवन में आनंद रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट विशेष रूप से आप ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थियों, जल्दी से विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है, जिससे कि क्या है आप लोग क्या कर पाएँ, जिससे कि आप लोग नोट्स बना पाएँ। मेरा मानना तो यही है कि आप लोग थोड़ा जो नोट्स हैं ना अपने अपने हाथों से बनाया करें, वही वही महत्वपूर्ण है भैया जी, क्या वही महत्वपूर्ण।